व्याधि भिक्षा विभूयता सदा अल्पायु स दुख भाग। जिसके जीवन में सदाचार नहीं है वह व्यक्ति बीमारियों से घिर जाएगा। समय से जगना, समय से सोना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सब सदाचार में आता है। जो सदाचार का पालन नहीं करेगा, लिखा है व्याधि, उसको बीमारियां घेर लेंगी, वो बचेगा नहीं, बीमारियों से नहीं बचेगा। सद अल्पायु, और बीमारियां घेर लेंगी तो अपमृत्यु में, अल्प मृत्यु में वो चला जाएगा। और छोटी उम्र में चले जाना, पूरी उम्र को प्राप्त ना होना, तो ये भी तो ठीक नहीं है। सुख दुख भाग, और एक शब्द यहां दुख भाग शब्द लिखा है, जब तक वो जिंदा भी रहेगा तब तक पीड़ा भोगेगा, बीमारी में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। तो महात्मा पराशर कहते हैं कि ऐसा ये मानव क्यों करता है, वो सदाचार के साथ जीवन क्यों नहीं जीता। वेद भगवान ने कहा मृत्यु के समय पर जो व्यक्ति निरोगी रह के अपने प्राण छोड़ता है, जब उसकी यात्रा होती है तो संपूर्ण देवता उसकी आरती ऐसे उतारते हैं जैसे हम और आप मंदिर में भगवान की आरती उतारते हैं, वहां हल्ला हो जाता है, वहां पर वहां हल्ला होता है इस बात का, अरे मृत्यु लोक से एक ऐसा आदमी आया है जो कभी बीमार नहीं हुआ, स्वस्थ था मृत्यु के समय पर। देवताओं में आपस में चर्चा होती है इस बात की, इसलिए हरिवंश पुराण में लिखा था वह व्यक्ति बड़भागी है, इतना पुण्यात्मा है, मृत्यु अस्पताल में नहीं, मृत्यु तो साधना युक्त जीवन जीते समय हो, वन में हो मृत्यु, घर में हो मृत्यु, या घर में या वन में, और क्षत्रिय जीवन जी रहा है तो रण में, धर्म को बचाने का लिखा है। घर में गृहस्थी है, घर में मृत्यु को प्राप्त होता है, अस्पताल नहीं जाता, महात्मा है वन में मरे। ये नहीं है कि जीवन भर तो रहा तीर्थ में और मरने के समय लड़का बच्चों में पहुंच जाए, घर में पहुंच जाए। हाँ, तो जब जीवन भर तीर्थ में रहा है तो अंतिम श्वास भी उसकी वन में ही निकले। जिन क्षत्रियाणी माताओं ने अपने बच्चों को लाल को दूध पिलाया है धर्म की रक्षा के लिए, तो उसकी तो मृत्यु वन में होती है, वो रन में होती है, रन वन। आहा, क्या सुंदर बात कही है, व्याधि भिक्षा वियुते सदाल्पायु सदुखवाक त्याज्यम कर्म पराधीनम कर्म मामृत संसादः। वर्णन किया गया कर्म बिगड़ जाएंगे, सदाचार बिगड़ जाएगा, बीमारियां घेर लेंगे, दुखियत दुखों के साथ जीवन निकलेगा, तो उसके लिए कष्ट ही है और क्या है। तो महात्मा पराशर ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा वह निंदनीय है पीड़ित अल्पायु दुखी, कहा ऐसा व्यक्ति जो तीन चीजों का ध्यान नहीं रखता कभी, एक जागने का, एक सोने का और एक खाने का, जर्जर हो जाएगा, बीमारियां उसको घेर लेंगी। इतना में मुझे 14वां महीना लग गया है बोलते बोलते, पता नहीं कितना लोगों के ऊपर फर्क पड़ा है ये तो वही जाने। मैंने इतना बोला है कि भोर में जल्दी जागो, ऐसी चीजें मत खाओ जिनका भोग ना लगे,